हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों, हम लोग एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमें दिया हुआ है फिगर 6.41, ये वाला फिगर है। हमें बता दिए ए बी पैरेलल टू डी ई, ए बी और डी ई पैरेलल है और बी ए सी 35 है, ये वाला एंगल यहाँ तक लिए सी 35 है और सी डी ई 53 है। सी डी ई ये वाला एंगल 53 है, हमें फाइंड करना है डी सी ई। हमें जो एंगल फाइंड करना है डी सी ई, मतलब ये वाला एंगल। ठीक है, अब इसको ध्यान में रखते हुए पहले हम लोग क्या करेंगे, अपना एक टारगेट बना लेंगे कि हमें करना क्या है। तो सबसे पहले देखिए, दो लाइन पैरेलल है, ए बी पैरेलल है डी ई के, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एंगल होगा इस एंगल के इक्वल होगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आप देख सकते हैं, दो लाइन पैरेलल है और ये एज ए ट्रांसवर्सल काम कर रहा है। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल होगा, यहां तक क्लियर है। यहां मतलब 35 आ जाएगा। ठीक है, अब जब 35 आ जाएगा उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस ट्रायंगल में चलेंगे सी डी ई में। सी डी ई में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे जिसमें तीनों एंगल का सम 180 होता है, जिससे ये एंगल फाइंड हो जाएगा। तो बस इतना सा काम करना है, हमें बस लिखना है, बाकी समझ चुके हैं। तो हमें लिखेंगे ए बी पैरेलल टू डी ई, ये तो गिवन है, और क्या गिवन है, बी ए सी 35 है और सी डी ई 53 एंगल दिया हुआ है। टू फाइंड, हमें फाइंड करना है एंगल डी सी ई। प्रूफ, हम लोग यूज करते हैं पैरेलल लाइन का, तो हम लोग लिखेंगे इस तरह से, एंगल बी ए ई, बी ए ई ये जो एंगल है ये इक्वल होगा डी ई, आप बी ए ई भी बोल सकते हैं या बी ए सी की भी, बात बराबर है। उसके बाद चलिए हम लोग बी ए सी ही बोल देते हैं इसको। ठीक है, यही तक, बी ए सी जो है इसके इक्वल होगा डी ई सी के, मतलब एंगल डी ई सी के। रीजन लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, शॉर्ट में इस तरह से लिख दी। अब देखे बी ए ई, तो ये दिया हुआ है आपका 35, तो ये आ जाएगा आपका डी ई सी, मतलब बोले तो डी ई सी जो है 35 आ चुका है। जो भी था वो बस हमको लिखना है, ये तो हम लोग पहले ही समझ चुके हैं। अब चलेंगे इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल सी डी ई, इस एंगल में हम लोग चेक करेंगे। तो हम लोग बोल सकते हैं एंगल सी डी ई, मतलब सी डी ई ये एंगल प्लस ये एंगल, मतलब डी सी ई प्लस डी ई सी, इन तीनों का सम 180 होगा। रीजन लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब सी डी ई कितना गिवन है, ये वाला 53 है, डी सी ई ये फाइंड करना है, डी सी तो फाइंड करना है इसलिए इसको छोड़ देंगे, और डी ई सी 35 निकाल चुके हैं। यहाँ देखिए डी ई सी 35 निकाल चुके, इज इक्वल टू 180। अब दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 5 और 3 8 आया, प्लस डी सी ई इज इक्वल टू 180। अब बस ट्रांसपोज कर दे, आ जाएगा आंसर, इट इम्प्लाइज डी सी ई इज इक्वल टू 180 माइनस 88। अब इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 10 में से 8 जाएगा तो 27, 17 में से 8 जाएगा तो 9 आएगा, ये आपका आ जाएगा 92 डिग्री। यही है आपका ये वाला एंगल डी सी ई 92। उम्मीद है आपको समझ में आ चुका होगा, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। Thanks for watching.